नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए साइकिल रैली का आयोजन सिविक सेंटर भिलाई में किया गया। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर पूरे विश्व सहित भिलाई में भी विश्व साइकिल दिवस पर विशेष आयोजन कर साइकिल की महत्वता को बताते हुए नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए और उन्होंने साइकिल रैली में शामिल प्रबुद्ध जनों का हौसला बढ़ाया और बताया कि आज पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और गाड़ियों में चलते चलते शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए जरूरी है कि आज हम एक बार पुनः उस परिवेश में लौटें जहां साइकिल को विशेष महत्व देते हुए साइकिल की सवारी करनी चाहिए। वैसे भी एक कहावत है कि करें साइकिल की सवारी, दूर रखें दिल की बीमारी। साइकिल चलाने से लगभग पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और आपका तन और मन दोनों ही प्रफुल्लित हो उठता है। इस कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह रैली महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई से प्रारंभ होकर सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 9 अस्पताल चौक MD बंगला चौक जेल चौराहा होते हुए विवेकानंद परिसर दुर्ग में समाप्त हुई। इस अवसर पर जिले के सांसद विजय बघेल ने विश्व साइकिल दिवस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को दी। है और हमारे दुर्ग के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा, जिसके प्रमुख नितिन शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और हर साल ऐसे आयोजन होते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम जिनके बारे में हमारे प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको एक आदर्श के रूप में जो शिक्षा दी थी, उसके अनुसार नेहरू युवा केंद्र हमेशा पूरी सक्रियता और सामर्थ्य के साथ ऐसे आयोजन करते हैं। आज विश्व साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को, भिलाई वासियों को, दुर्ग लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई शुभकामनाएं। आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, साइकिल से बहुत लाभ है, एक तो स्वास्थ्य अच्छा होता है और दूसरा हम बच्चे से भी बचते हैं। ये बहुत सारी जो बातें हैं वो हम उसको आत्मसात करें और हमेशा ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश ने हमें फिर बता दिया है कि साइकिल की सवारी करनी ही होगी, क्योंकि आज हमारे शरीर पर और जेब पर गाड़ियों की सवारी भारी पड़ रही है। एक तरफ गाड़ियों की सवारी करते करते रीढ़ की हड्डियों के बीच की दूरी कम हो रही है, तो वहीं गाड़ी में पेट्रोल डला डला कर जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बेहतर होगा इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से निजात पाने साइकिल की सवारी की जाए और यह विश्व साइकिल दिवस प्रतिदिन मनाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।